तो ये पहुंच गए नर्मदा के तट पे और सामने सूरत यहाँ 51। अबे यार तुम व्यू देखो यहाँ से यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के अराउंड 6:30 और फ्लैशलाइट जला के वीडियो बना रहे हैं भाई। कैम रूम में एक ही लाइट है इसलिए थोड़ी अच्छी लाइटिंग नहीं आ रही थी। और अभी सब लोग सो ही रहे हैं भाई, एक सो रहा है, एक फ्रेश व्रेश हो रहे हैं और नहाना वाना तो आज नर्मदा में ही है तो आज सब फटने वाली है भाई। जो ठंडी हो रही है तो हालत ख़राब होने वाली है। तो अभी जाएंगे निकलेंगे भाई, सब लोग हो रहे हैं रेडी वेडी, जो भी रेडी होना है, फिर वही नहा के वही चीज करके वही दर्शन वर्शन करके उसके बाद आगे का देखते हैं क्या करना है। ट्रेन है 5 बजे की अराउंड, मिलते हैं फिर आपसे खंडवा स्टेशन पे। नहीं भाई स्टेशन दिखाया, अभी आपको दिखाएंगे। लोग ने अपना रूम छोड़ दिया एक के लिए और ऊपर हम लोगों ने रूम लिया था तो वो हम लोगों ने शिफ्ट करके नीचे वाले लिए। ऊपर वाला इतना अच्छा नहीं था, फिर पता चला कि नीचे वाला भी इतना अच्छा नहीं है। तो गाइस अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, बैग वैग सब पैक हो गया है, वो कच्चा लटका हुआ है पता नहीं किसका। तो निकल रहे हैं बाहर, भी गाला हो गया थोड़ा दिख रहा होगा। चलो भाई होटल छोड़ रहे हैं हम लोग, उजाले हो गए हैं बाहर। तो आराम से चलते हैं भैया, क्या बताएं अब, सामान निकाल लें। अबे ओमकारेश्वर भगवान की जय। तो भैया पहुंच गए नर्मदा के तट पे और सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, तो वहीं पे हमको जाना है अभी नहाने के लिए। और यहाँ पे पूरा मतलब क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है, चढ़ाई की तरफ फ्लो हो रहा है। हाँ, और इसमें नर्मदा नदी का फैक्ट है कि मतलब ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है, फ्लो होता है ऊपर की ओर। हाँ पीछे डैम भी है, सामने आपको डैम दिख रहा होगा वहाँ पे। ठंडी हो रही है भाई, पीछे देखो कितना मस्त व्यू है यार यहाँ से, बहुत ही प्यारा। और यहाँ नीचे को सीढ़ियाँ उतर के सामने हमको जाना है वहाँ पे। चलो यार तो हेलो यार, तुरंत तुरंत फोटो डालते हैं जैसे ही लिए, तुरंत भक्त से फोटो डाल देंगे तुरंत ही एकदम। टाइम पे बहुत जरूरी है। जैसे ही फोटो लिया वैसे ही डाल देंगे। मैं बैठ जाऊं, मैं कितनी डुबकी लगा ली सूरत यहाँ 51। अबे यार तुम यार नाक में पानी डलवा दोगे। क्या ये नदी जो है? हाँ ओम के आकार में है ये, ऊपर से दिखती होगी मस्त यार, यहाँ से जा रही है इसे। और ये बना के ओम से ओम के आकार में आई। मैं आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है नर्मदा का, ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। और इस वक्त पे पीछे सूरज है, आगे चांद दिख रहा है एकदम मस्त। देखो पीछे सूरज दिख रहा होगा और आगे कैमरे में पता नहीं आ रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे आ रहा है चांद। चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखो भाई क्या व्यू है भाई, मस्त व्यू। पे सब बोटिंग वगैरह भी होती हैं, तो चलते हैं भाई नहा भी लेते हैं जल्दी से वरना फिर लेट हो जाएगा। और भीड़ भी ठीक ठाक है तो ट्रेन ही पकड़नी है, जितना जल्दी हो सके तेरे दर्शन हो जाए तो बढ़िया है। चलो भाई नहाते वहाते फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई नहा के तो मज़ा आ गया, क्यों भाई मज़ा आया? मस्त पानी था, फ्लो में एकदम तैरने कोशिश कर रहे थे, लग रहा था बढ़ रहा है लेकिन भाई फ्लो के अगेंस्ट तैर हो गई होगा, लेकिन भाई मज़ा बहुत आया, मस्त पानी था एकदम गुनगुना। गाड़ी में बैग रखते हैं फिर चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर और फिर ममलेश्वर जाएंगे। भाई यहाँ पे मार्केट इतनी ज्यादा है नहीं? नहीं उधर है उस तरफ। अच्छा उधर है। ये कुछ यहाँ की मार्केट है, जो आप नर्मदा से निकलोगे तो अंदर को एक आएगा और देखो पूरा बंद सा होगा और ये पूरी मार्केट है साइड में। अभी काफ़ी सारी दुकानें बंद भी है यहाँ पे, पीछे खुली हुई थी। और इधर भी मुझे थोड़े बहुत होटल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे रुकना होगा तो यहाँ पे भी आप लोग पता कर लेना आके, मतलब अगर सुबह उठते ही आपको डायरेक्ट दर्शन कर रहे हैं तो। हम लोग को 4 किलोमीटर पहले लिया था होटल। तो गाइस ऊपर देखो क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है नर्मदा नदी का। अभी हम लोग कोई ब्रिज में है
तो ये ब्रिज क्रॉस करके टेंपल आता है और आगे का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है भाई पूरा। जय श्री राम, जय महाकाल, हर महादेव। आओ यहाँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, महादेव, जय जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जाली आई लगा दी वरना बहुत तगड़ा व्यू आता। सेफ्टी के लिए जाली लगाई है तो कोई नहीं, व्यू बढ़िया आ रहा है ऊपर से, ट्राई कर। व्यू देखो यहाँ से यार, और सामने वहाँ पे मंदिर होगा ये देखो। तो ये वाला जो ब्रिज है इसी से हम लोग अभी आए थे इधर को, और वहाँ से मतलब चढ़े थे। तो गाइस दर्शन वर्शन अच्छे से हो गए और अंदर कुछ ऐसा व्यू है, बाबा का दरबार, सब भैया लोग खड़े हुए हैं इधर ही, और पीछे प्रसाद मिल रहा है, काफ़ी मस्त प्रसाद है भाई, बहुत टेस्टी है, और ले लेना ज़रूर लेना, ग्रहण करना, मज़ा आ जाएगा। अबे वो बनाने वाला था भाई, मज़ेदार। उससे बताओ डिब्बी कैसे खोले, होती तो बताते भाई, डिब्बी में परेशान हो ऐसे माने कट से खुल जाएगा। भाई यहाँ देखो अंदर पूरा जो लाइव चल रहा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भाई ओमकारेश्वर से निकल के आप जा रहे हैं बम्बलेश्वर, तो ओमकारेश्वर और बम्बलेश्वर को एक ही माना जाता है, तो यहाँ पे दर्शन कर लिए तो उसके बाद बम्बलेश्वर भी जरूर चले आना। और व्यू देखो भाई यहाँ से,